अभी ना मैंने ये पत्ते तोड़ लिए हैं क्योंकि आज मैं दाल में मिक्स करूंगी ये पत्ते, जो मूंगरे या सजना के पत्ते बोलते हो जिसको आप, ड्रमस्टिक के, उसके पत्ते तोड़ के रखे हुए हैं कि बाद में मुझे दाल में बनाते टाइम ना इजी पड़े। और यहाँ पे मैं चीला रेडी कर रही हूँ क्योंकि जीनल ने अभी उठी है, वो 10 बजे उठी है, बताओ मैडम, लेट सोती है तो लेट ही उठना है, तो 10 बजे उठी है तो उसके लिए फटाफट चीला खा लेती हूँ। अब आप सोचोगे कि एक ही चीज बनाती हूँ, ऐसा नहीं है यार, अब रोज रोज मैं ब्लॉग डालती हूँ तो जो मैं बनाती हूँ वही तो आप लोग को दिखाऊंगी ना। तो आज ना बृहस्पतिवार भी, जैसे आपने देखा मैंने पीले कपड़े पहने हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन ना मेरी कोशिश रहती है कि मैं खाने में ज्यादातर पीला यूज करूँ, मतलब ये चने की दाल या बेसन का चीज यूज करूँ, तो इस वजह से आज मैं चीला बना रखा है ब्रेकफास्ट में। और मेरे घर में ना सबको चीला अच्छा भी लगता है, अच्छा लगता है सॉरी, तो ऐसा होता है ना आपके घर में जो चीज अच्छी लगती है आप लोग वही खाते हो, तो इस वजह से तो यहाँ पे एक ही चीला बनाऊंगी जिन्हें आधा भी खा ले तो बहुत है। अभी तो वो पता नहीं क्या कर रही, क्या ही कर रही है। हे एवरीवन, जय श्री कृष्णा, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू गाइस आर गुड, मैं भी बढ़िया हूँ। नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं 10 बजे से कर रही हूँ, सारा काम हो गया है। और साथ में ना मैंने कल को डोसे का बैटर भी आया था, इडली का लिया, तो डोसा मैं बहुत दिन बाद बना रही हूँ, तो ये देखो मेरा डोसा बहुत ही अच्छे से ना, देखो बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ इसको फ्रिज के अंदर लेती हूँ क्योंकि ना मैं कल भूल गई थी, मैंने परसों भिगा लिए थे, परसों मुझे याद नहीं रहा कि आज थर्सडे है करके, तो अभी मुझे या फिर मैंने कल याद आया कल तो थर्सडे है बट आज नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज मेरा व्रत भी है, फिर नियज तो सब लोग खाते सब एक साथ खाए तो अच्छा लगता है ना, फिर एक लिए बनाओ फिर नियज जी के लिए खाली इतनी चीजें प्रिपरेशन, इसमें बहुत चीज करनी पड़ती है, तो सब लोग खाए तो सही रहता है ये बात, और तो इसलिए कल बनाऊंगी सोची हूँ डोसा, अभी फ्रिज पर रख दूंगी इसको क्योंकि अच्छे से फर्मेंट हो चुका है, तो जल्दी से पहले मैं ये चीरा बनाती हूँ क्योंकि जिनर को ब्रश कराना है, उसको ब्रश कराना बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, ब्रश के नाम से भाग जाती है ऐसी है मेरी बेटी, बहुत के बच्चे होंगे, बहुत के बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं, मेरी तो पूछो मत, तो ऐसा है, तो चलो यार चीरा बना लिया जाए। मेरे ना यहाँ पे घी भी खत्म हो गया, तो ये कैंटीन से लेके आई थी मैं, इस बार मुझे छोटा वाला मिला तो मैं छोटा वाला लेके आई थी, ये भी बहुत जल्दी खत्म हो गया, मेरे घर में घी बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि बच्चा भी है और हम लोग भी ना घी खाते नहीं है यार, गांव से मैं इतना घी लाई थी वो खत्म हुआ, कैंटीन से लाई थी वो भी खत्म हो गया। सो गाइस मैं बना रही हूँ अपने लिए जूस और इस पे है एप्पल, ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा बादाम, काजू, किशमिश और ये है, सॉरी किशमिश नहीं है, वो है इलायची पाउडर, इलायची के दाने और थोड़ा सा दूध है। तो यहाँ पे मैं एक ही एप्पल का बना रही हूँ, वैसे आप लोग एक ही दिन करोगे, मैं फास्ट के दिन कभी भी जूस या फ्रूट्स वगैरह कभी नहीं खाती हूँ, होते हैं घर में तब कभी खा लिया तो फ्रूट, नहीं तो नहीं खाती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मुझे चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज पता है मुझे इतनी वीकनेस हो रही है, इतनी वीकनेस क्योंकि कल मुझे कल नीएच की ना नाइट की शिफ्ट थी, तो वो मुझे पता नहीं क्यों बेचैनी हुई थी, मुझे नींद ही नहीं आई थी, 2:30 में या 2:45 में मैं सोई हूँ और सुबह 6 बजे उठ गई हूँ, 6:30 ऐसे कुछ उठी हूँ मैं, तो यार नींद पूरी नहीं हुई, ऊपर से मेरी आंखों, दिन में भी सोई नहीं थी कल को मैं, और ऊपर से मेरी सारे आंख में पता नहीं क्या दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ चले गया है, तो मतलब पेन हो रहा है, मतलब इस टाइप का हो रखा है, बहुत परेशान हो रही हूँ इस आंख के उससे, तो इस वजह से मेरे सर में दर्द हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत वीक हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगी, चक्कर आ जाएगा मुझे, तो मैं सोच रही हूँ कि अपने थोड़ा सा जूस बना लेती हूँ, अभी मैंने चावल दाल बनाया था, सब्जी बनाई थी, तो नीरज तो खा के सो भी गए, वो बहुत ज़्यादा थक गए थे तो सो गए, और जीनल को भी सुलाती हूँ, यहाँ वहाँ घूम रही है, तो पहले मैं अपने लिए जूस बना लेती हूँ यार, बहुत ही अजीब सा हो रहा है, खड़े खड़े ऐसे भी खड़े नहीं हो पा रही हूँ, उस टाइप का हो रहा है पता है। तो गाइस हो चुका है यहाँ पे मेरा जूस रेडी, एप्पल वाला जूस है, वैसे आज ना बनाना नहीं खाते हैं तो इसलिए बनाना शेक नहीं बनाया, इसे ये बनाया है, नीएच को पसंद नहीं है बट मुझे तो सही लगता है, ठीक ठाक ही लगता है, तो उसके उसके ऊपर मैंने बादाम से इसको गार्निशिंग की है, तो चलो यार मैं पीती हूँ अपना ये थोड़ा सा जूस, उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करती हूँ, आँख में बहुत दर्द भी हो रहा है, अच्छा है, आप लोग को ट्राई करना है, बहुत अच्छा होता है, वैसे भी अभी एप्पल के सीजन चल ही रहे हैं। तो गाइस अभी ना मैं ए जिन्हें बाहर निकलो, बाहर
प्रसाद यहाँ पे जल रहा है। सो गाइस अभी जो है ना मैं बना रही हूँ प्रसाद, क्योंकि आपको पता है मेरा व्रत है, तो यहाँ पे मैं बेसन का प्रसाद खा रही हूँ। मेरा बेसन सॉरी जल रहा है यार, तो थोड़ा सा घी बचा हुआ था मेरे पास। अभी क्या दे रहे हैं तुम लोग, कुछ दे रहे हैं ये बालकनी आ जाने खोल रहे हमेशा बाहर बालकनी में जाएंगे अपने आप। तो यहाँ पे मेरा प्रसाद भी हो चुका है, इसमें डालती हूँ थोड़ा सा दूध। ना ना बालकनी वाला दर्जे खोल दे। तो आज मैंने पैकेट वाला दूध, हाँ पैकेट वाला, पैकेट का दूध ड्रम भी नहीं कर रहा था आज, थोड़ा सा जल भी गया शायद, जल्दी जल्दी बना ली। क्योंकि शाम भी हो चुकी है, भगवान को मैंने वैसे तो मैंने नहा लिया है। हाँ अरे अभी आ रही हूँ मैं, बस आ रही हूँ तू जा। तो यहाँ पे मैंने कहते नहा लिया है, बस मैं तो भूल आ रही हूँ, बहुत लेट हो गई हूँ, थोड़ा सो गई थी यार, मेरे बहुत ज्यादा सर में दर्द था, अभी थोड़ा सो गया, मेरी आंखों में भी थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, और अभी प्रसाद मिल रहा है, फिर रात की मैं इतनी जो है तुम पीछे से बता बताओ ना किसको बता रही है, गाय इसको बता रही है, कबर समझ सकती है कि वो मुर्दा कितना परेशान है। मेरे आंखों में सर में बहुत दर्द हो रहा था, मैं दवाई की ड्रॉप डाल रही हूँ, ठीक है, मजाक लग रहा है तुमको, तो मैं भी मजाक करूंगी क्या। तो अभी मेरी आंखों में थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, मैं एक घंटा सोई हूँ सच में। तो यहाँ पे मेरा प्रसाद बन गया है, मैंने ये जो कि बनाती हूँ अभी खाना, वो तो कह रहे हैं खिचड़ी मिला दो घर के, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। और बच्चे बहुत बदमाशी कर रहे हैं बाहर, नीचे सॉफ्टी आई है, तो दोनों दोनों खेल रहे हैं बालकनी में। चलो यार बनाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। यहाँ पे मेरा प्रसाद भी रेडी हो गया भगवान को भोग लगाने के लिए, और मैंने पूजा उजा कर ली है, और बस अभी खिचड़ी बनाई है न्यू एज लोग के लिए, वो लोग खिचड़ी खाएंगे। तो बस गाइस इसी के साथ करती हूँ इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड, होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो यार, मिलते हैं जल्दी से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय, गुड नाइट।